लगे बाजूला पण दाखवा. बोले साहेब माझ्या घरात जागा आहे, तुम्ही तुमच्याच घरात. ऐसा पागल बनो की लोगोने तुमको बोलला की नेमकं हे करता म्हणजे आतून नाचायचं. तू येला सर, मला पण कोणतरी आयटम पाहिजे होता प्लॅन दाखवायला, तू नेमका मला विचारून चुकी गेलीस. बसायचा कार्यक्रम काय बोलून बोलून बोल काय पाहतो धंदे करताय अमोल सर, काय तुम्हाला वाटतं भेटतं? काय नाही वाटत नाही, म्हणूनच करतोय. वाटत असत तर कशाला केलं असतं. बिझनेस में थोडा क्या बनो अलाउड, क्या बनो तो तीन डिग्री सिखाते हो जिंदगी भर. याद रखो लिख के लो, इस बिजनेस में नंबर वन बनना है यू शुड हैव थ्री डिग्रीज ऑफ मार्केटिंग. पहला है, इस बिजनेस में वही इंसान खड़ा होगा जो थोड़ा सा पहला डिग्री. कौन सा है? अभी बेशरम मतलब रस्ते वाला विश्रम नहीं, रस्ते वाला विश्रम वही नहीं सिखा रहा हूं. मतलब रस्ते वाला आइटम बेशरम के हिसाब से रहता है, उसको चार लोगों ने गाली दी फिर भी वही, तो उसका वो गंदी क्वालिटी आपने धंधे की अच्छा क्वालिटी बना. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस बिजनेस से पहला डिग्री लाउडली लाउडली, जिसको मराठी में बोलते हैं निर्लज्ज. मराठी में क्या बोलते हैं उसको? लिख के लो, तुमको ऐसा डिग्री कोई नहीं सिखाएगा ट्रेनर. या तजुर्बे के साथ आया हुआ डिग्री, मतलब साला जो आपल्याला नाही बोलतो त्याच्याच बाजूला लोक राहायचे. तो एक दिवशी वैतागून बोलतो, साहेब तुम्ही जा ना, जाण्याचे पैसे तर लगेच जातो. म्हणजे हे घे माझ्या पण गोडचे पैसे घे आणि माझ्या बाजूलाचे पण गोडचे पैसे घे, तू येऊ नको या गल्लीत. तू पण त्यासाठी आपल्याला काय बनावं लागेल? दुसरी डिग्री या बिझनेस मध्ये लागते निगर घट्ट. लवकर लिहा काय लागते, लिहून घ्या कीर्तनला काय ऐकू माझं. पहिली दुसरी डिग्री काय लागते? यानी जिसने तुमको बार बार रिजेक्ट किया, बार बार अमोल सर ना बोला, फिर भी मुस्कुराते हो तुम उसके पास ही. अमोल साहब बोलते हैं, साले तू इधर ना आने का क्या लेगा भाई? तो अमोल सर हंसते हंसते बोलेंगे, ज्यादा नहीं 10,000 लूंगा. बोलेगा अबे साले ले गए 10,000 मिले, ये 20 मिले, साला वापस तू 4,000 इधर मत. तो अपन देश शर्मा के माफी तो तीन इधर उठाने का. बोलेगा सर 3 दिन के बाद वापस. क्यों आगे क्यों आएगा? नहीं आता हूँ समझाने के लिए, 30,000 का मिले तो इसके लिए क्या लगता है? इस धंधे में दूसरा डिग्री लाउडली लाउडली, इसको हिंदी में बोलते हैं धीट. क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? धीट. मालूम है ना धीट? धीट मतलब उसको चार बार ना बोला तो भी पांचवी बार निकल गट. लेकिन तीसरा डिग्री है तो मोस्ट इंपोर्टेंट डिग्री फॉर मार्केटिंग इज अ डिसिप्लिन, जिसको हिंदी में बोलते अनुशासन और मराठी में बोलते शिस्तबद्ध. तीसरा डिग्री कौन सा? जरा लाउडली बोलो, लाउडली लाउडली लाउडली, डिसिप्लिन शिस्तबद्ध. पहला डिग्री यानी हिंदी में अनुशासित. पहला क्या है? जरा लाउडली बोलो, जरा सब मिलके बोलो, पहला डिग्री. और जरा जोर से बेशरम होके बोलो, पहला डिग्री. क्योंकि आज तक साला हम शर्मा 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 बन के जिंदगी का शर्मा जी वाट लग गए हैं. कि ज्यादातर सला लोग इसी चक्कर में अटकते, विचारों की विचारों की विचारों की, तो मन बाजू वाला पटून घेऊन जातो. मग ती सांगते 4 वर्षाने आपण मामा, तुझा पप्पा झाला असता मग काय झालं? पहिल्या 4 वर्ष विचारलं नाही मला. सीधा पूछना मौत, या तो हा बोलेगी तू नहीं तो आपण किती सला संत बनने वाले. लेकिन ज्यादातर लोग इस चक्कर में अटक गए कि मैं पूछू की थोड़ा सा क्या नहीं बने. तो अपने बिजनेस में थोड़ा सा अच्छे काम के लिए क्या बनना पड़ेगा? अच्छा हम कुछ गलत चीज कर रहे हैं? अभी चरस गांजा एक ही कोटेशन बेच रहे हैं, बॉम्ब विकतो है. अपन एक चांगली गोष्ट विकतो है वो विचार आला, वो मालूम है डायलॉग? पूछने में, पूछने में हाँ बोलेगी, नहीं तो दादा बोलेगी. हेलो हाँ बोलेगी, नहीं तो अपन बोल रहे ताई रक्षाबंधन भाव बिजला आशीर्वाद तक अच्छा होता है ना सब खर्च होता है ना बाकी दिवस बेटा चले. इस बिजनेस में थोड़ा सा पहला डिग्री क्या है? लेकिन किस काम के लिए? और गुड वर्क किसके लिए? तो शर्म करने का, बिकॉज नॉट वी आर डूइंग एनी बैड थिंग्स. और 90% लोग इसी चक्कर में प्लान देते नहीं है. दूसरा डिग्री क्या है? अभी निगर घट्ट क्यों होना पड़ता है? एक इंसान बोलते हैं आज वेड नहीं, उदय वेड है, संडे लकड़ी है, मंडे लकड़ी है, ऐसा चार बार बोलने का तो आपका मन क्या बोलता है? छोड़ दे, अपन भी उसका बाप होना चाहिए. तो
चार बार नहीं 40 बार लाख बार, मैं 41 बार तेरे घर पे, तू प्यार से या जोर से गुस्से से या गाली से, लेकिन तू पैसा मेरे को देगा। मतलब चल अपन भी किसका ट्रेनिंग अटेंड करके आया है, संतोष सप्पल किसका, एक नंबर का लुच्छा होगी ना, क्योंकि एक्सपीरियंस वाला डिग्री हो, क्योंकि हमने साला किसी को छोड़ा नहीं। मैं तो आजकल मेरे बीवी से भी बात नहीं करता, बोलते कहा मतलब बोला चुप ऐसे बैठे तुझे झूठ का बैठना है, शांत बस, एक नंबर का लुच्छा लगूंगा। पैसा बोलने का मिलता ना मेरा, तो फालतू बात करेगा किसी साथ। मेरे कई सारे दोस्त मैंने छोड़ दिए, मेरे दो ही दोस्त है ज्यादा नहीं, उसके सिवा बात ही नहीं करता, क्योंकि अपना पैसा किसका मिलता है। तो कुछ अरे फुकट पुना करो बोलू, फुल बिल्डिंग मध्ये आपण कोणाशी बोलत होते फक्त एकच दिवशी असतो 26 जानेवारी का असेल तर असं भाषण करतो की सगळे इन्फ्लुएंस होतात। 364 दिवस शांत लोकांना माहित नाही येतो कधी जातो, पण चला काम असं करा की चला पूर्ण गाव तुमच्या मागे लागला। आजकाल तुमच्या मागे लागलाय गाव, स्वतः आहेत माझे दे ना 500 माझे ना, फालतू धंदा करो तू उधर है ना, उधर चला निर्लज्ज बन सकते हो, उधारी मांगा उधारी मांग।